कर तफ्तीश को कहीं ना कहीं मिसलीड करने की कोशिश की गई थी। जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी मालेगांव में, ये गाड़ी प्रज्ञा सिंह के नाम पे थी। अपने नाम की ही गाड़ी उन्होंने बम बनाने के लिए उपयोग किया। इस गाड़ी में काफी एविडेंस मिटाने की कोशिश, ओनरशिप छिपाने की कोशिश हुई थी, जैसे कि उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वो बोगस था, उसका इंजन नंबर, चेसी नंबर, ये मिटाने की पूरी कोशिश हुई थी, ग्राइंड किया गया था। लेकिन पुलिस के डिटेल्ड इंट्रोगेशन के, इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमें इसके ओनरशिप का पता चला कि 2008 में जब मालेगांव में धमाके हुए थे तो उसमें जो मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था, जहाँ पे बम रखा था, वो मोटरसाइकिल सुनील जोशी की थी। उसको लेकर मध्य प्रदेश पुलिस आदमी से पूछताछ करेगी। श्याम साहू की बात करें, शिव नारायण की बात करें, इनके संबंध हिंदू जनजागरण मंच से हैं, एबीवीपी से हैं, ये बात का भी हम लगातार आईबीएन 7 पर खुलासा कर रहे हैं। प्रज्ञा सिंह, इसने एक जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति करके एक स्थापन की थी, जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति, ये 2002 में उसने स्थापन की थी। प्रज्ञा सिंह ने संन्यास लिया था, इसलिए उसका दूसरा नाम ये भी रखा था, पूर्ण चेतनानंद गिरी। उसने जनवरी 2007 में संन्यास लिया था। इसका मूल गांव लहर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश है। फैमिली 5-6 साल पहले सूरत शिफ्ट हुई थी, 2001 के आसपास। दूसरा आरोपी शिव नारायण सिंह, इसका भाई राज नारायण आज तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय धमाके की ट्रेनिंग में शामिल रहा है। श्याम लाल साहू साध्वी का राइट हैंड है, आरएसएस का पूर्व प्रचारक और मध्य प्रदेश में अभिनव भारत के चीफ ऑपरेटर। समीर कुलकर्णी के कनेक्शन भगवा आतंक से जुड़े हैं। अभिनव भारत का खजांची अजय राहिरकर और राकेश दत्तात्रेय को एटीएस ने पुणे से गिरफ्तार किया था, जबकि जगदीश महात्रे मुंबई से पकड़ा गया। इन तीनों के पास से विदेशी हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। इस मकरजाल में फंसे लेफ्टिनेंट कर्नल पीएस पुरोहित पुलिस गिरफ्त में हैं, जबकि 10वें आरोपी दयानंद पांडे 25 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं। तो अलग अलग नाम से अलग अलग हिंदू संगठन जो कार्यरत है महाराष्ट्र में या फिर देश में, उनके कुछ गिने चुने लोग इस काम में जुटे हुए हैं और उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल भी हुआ है, ताकि कोई भी बड़ा ऑपरेशन ये लोग लेते हैं तो उसमें उसको अंजाम दिया जा सके। मालेगांव ब्लास्ट में पहले से गिरफ्तार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मध्य प्रदेश पुलिस ने सुनील जोशी की हत्या के मामले में पूछताछ की है। प्रज्ञा इन दिनों बीमार है और मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती है। संघ के देशभक्ति के दावों की खुली पोल सामने आया, मालेगांव धमाके से सीधा रिश्ता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने की आरएसएस के कार्यकर्ता से बात, गिरफ्तारी के बाद बचने का पूछा तरीका, जानने की कोशिश की मालेगांव धमाके में क्यों मरे कम लोग। मुंबई एटीएस ने रखा कोर्ट में पूरा ब्यौरा, सामने आया साध्वी के खिलाफ पहला सबूत, संघ, साध्वी और साजिश। कि साध्वी प्रज्ञा सिंह और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता राम जी के बीच बातचीत का ब्यौरा भी कोर्ट को दिया गया। डंके की चोट पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई एटीएस के पास इस बातचीत के 400 मिनट का टेप मौजूद है। एटीएस ने बातचीत का छोटा सा हिस्सा बतौर सबूत अदालत में पेश किया, लेकिन ये बातचीत संघ के साथ साध्वी के रिश्तों को बेनकाब करने के लिए काफी है। कि धमाके के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने पूछा था कि इतने कम लोग क्यों मरे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने आरोपी रामजी से कुछ इस तरह बात की थी। हेलो हेलो, आज शाम मुझे ले जाएंगे। क्यों? मालेगांव ब्लास्ट में मेरी गाड़ी मिली है। लेकिन वो गाड़ी तो आपने बेच दी थी। कहाँ भेजी बताओ? मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? गुजरात बोलो। कब बेची पूछा तो? कहना मालूम नहीं, ना माने तो मेरा नाम ले लेना। लेकिन इतने कम लोग कैसे मरे? गाड़ी भीड़ में क्यों नहीं लगाई? गाड़ी भीड़ में खड़ी नहीं करने दी थी, कुछ हुआ तो निपटा लेंगे। मेरी अरविंद जी से बात हुई है, वो 1 लाख लोगों के साथ आंदोलन करेंगे।